नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 एग्जाम से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एक नई नोटिस फिर से जारी की गई है, जिसमें कुछ परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है और जिन परीक्षा केंद्रों में बदलाव हुआ है उन परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आपकी परीक्षा 15 को हो फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में या फिर आपकी परीक्षा 16 तारीख को हो फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में, आपको अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो आइए दिखाते हैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिस। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उन्हें आप जरूर देखते रहिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। अभी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। एक आप देखेंगे 10 अक्टूबर की डेट में नोटिस जारी हुई थी परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए। लखनऊ में एक परीक्षा केंद्र जो है बदला गया था। अब यहाँ पर ये 11 अक्टूबर की नई नोटिस है। पीईटी परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा 15 व 16 अक्टूबर को होनी है। परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, समय वही है 10 से 12 फर्स्ट शिफ्ट और 3 से 5 सेकेंड शिफ्ट। यहाँ पर देख सकते हैं जनपद श्रावस्ती के 2 परीक्षा केंद्र और बलरामपुर जनपद के 1 परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित करते हुए नवीन परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा रही हो पहले, ध्यान से देख लीजिए और नया एडमिट कार्ड आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो नया परीक्षा केंद्र इसमें दिया गया है और एक बार अपना फिर से आप एग्जाम डेट और शिफ्ट चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई परिवर्तित नहीं हुआ, केवल यहाँ पर परीक्षा केंद्र ही बदला है। श्रावस्ती में पहला यहाँ पर केंद्र है बलदेव प्रसाद नागरिक इंटर कॉलेज अमवा बीघा। अब यहाँ पर ये नया संशोधित परीक्षा केंद्र का नाम है गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, ये नया एड्रेस हो गया। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर परीक्षा केंद्र था चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज और ये अब हो गया है राजा वीरेंद्र कांत सिंह महाविद्यालय, ठीक है। इसी तरह से बलरामपुर का एक परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय और अब यह नया परीक्षा केंद्र हो गया है MLKPG कॉलेज साइंस फैकल्टी ब्लॉक ए, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से, जिन भी अभ्यर्थियों की परीक्षा इन केंद्रों पर रही होगी तो आप अपना नया एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो नया परीक्षा केंद्र है वो आपके एडमिट कार्ड पर शो हो रहा है और साथ ही साथ एग्जाम डेट और शिफ्ट भी अपना देख लीजिएगा। शेष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र वही है, परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी जिस दिन भी में आपकी परीक्षा हो या फिर जिस शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो बिल्कुल वही आपका है। और अगर आगे किसी भी परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव होगा तो उसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस आएगी और कोई भी आगे की ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद।